मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे घर की साफ सफाई करने वाली मेरा पति कब साफ कर गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कौन सा मनहूस दिन था जब मैं तुम्हें अपने घर में लाई थी। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि स्वाति की जिंदगी में कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, पर क्या, स्वाति एक बहुत ही समझदार लड़की थी और साथ ही सुंदर भी बहुत थी। उसकी शादी विशु से हुए 4 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इसी बीच उसके 2 बार मिसकैरेज भी हो चुके थे, जिसके चलते उसकी गोद अभी तक सूनी थी और वो भगवान से अपनी माँ बनने की दुआएं भी किया करती थी। ऐसे एक दिन स्वाति को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है। वो जल्दी से खुशखबरी विशु को देने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है, विशु विशु जल्दी आओ यहाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है जान, सुबह सुबह इतना क्यों चहक रही हो? विशु तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में? इतना कहकर विशु स्वाति को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप, नीचे उतार रही है मुझे। जान मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई लव। विशु स्वाति को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है। डॉक्टर स्वाति का चेकअप करती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उसे प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए कहती है, जिसके चलते स्वाति घर का काम नहीं कर पाती। स्वाति का ख्याल रखने के लिए साथ ही घर का काम करने के लिए विशु घर में एक रश्मि नाम की नौकरानी को ले आता है। रश्मि हर काम में चंट थी। बहुत जल्दी ही वो घर का सारा काम संभाल लेती है, जिससे विशु और स्वाति दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसे एक दिन रश्मि स्वाति के लिए सूप बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। स्वाति सूप पीती है और रश्मि उसके पैर दबाने लगती है। तभी स्वाति उससे उसके बारे में पूछती है, रश्मि ये बता तेरे घर में है कौन कौन? मालकिन कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्यों, क्या हुआ, कहाँ गए तेरे परिवार वाले? मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। पापा भी उनके गम में ही चल बसे। तब से गरीबी ही मेरी माँ भी बन गई और बाप भी बन गया और आज मैं यहाँ आ गई। अरे तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू भी तो मेरा परिवार है ना। और हाँ, अब से तू यहीं रहेगी, ठीक है, इसी घर में। और सुन, वहाँ टेबल पर कुछ साड़ियाँ रखी है, वो तेरे लिए है, वो पहन लेना। रश्मि टेबल पर से साड़ियाँ उठा लेती है और ले जाकर अपने कमरे में रख देती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन रश्मि रसोई में काम कर रही होती है और स्टूल पर चढ़कर चीनी का डब्बा उतार रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ विशु आ जाता है और रश्मि को अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। साहब शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तुम ठीक हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़िए। सॉरी सॉरी। साहब कुछ चाहिए था क्या आपको जो आप यहाँ आए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर विशु वहाँ से चला जाता है, पर उसकी आंखों में रश्मि का भोला चेहरा और उसकी सहमी हुई आंखें बस पनाह ले जाती है। वो जितनी बार भी आंखें बंद करता है उसे बस रश्मि ही नजर आती है। ऐसी एक सुबह रश्मि नहा धोकर रसोई में काम कर रही होती है, उसके गीले बालों से पानी टपक रहा होता है। तभी वहाँ विशु आता है और रश्मि को देखता है और उसके करीब जाकर धीरे से उसके कान में बोलता है, एक कप चाय देना। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही रश्मि पीछे पलटती है उसके गीले गीले बाल विशु के चेहरे को छू जाते हैं और वो कुछ पल के लिए खो सा जाता है और अपने मन में सोचता है, हाँ इसकी अदा, इसकी जुल्फों से गिरता हुआ पानी मेरी नियत को कर रहा है बेमानी। कहीं हो ना जाए मुझसे गुस्ताखी, इसकी हंसी बन ना जाए मेरी जिंदगी की बर्बादी। तभी रश्मि उसे चाय देते हुए बोलती है, साहब चाय। तुम बहुत खूबसूरत हो। जरूर साहब, वो ना आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप बैठकर चाय पी लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। विशु चाय लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर टेबल पर बैठकर चाय पीने लगता है। साथ ही वो रश्मि को भी देखता रहता है। वक्त बीत जाता है और प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ने के साथ साथ स्वाति का खुद से भी कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब वो सारा दिन बस अपने कमरे में ही लेटी रहती, जिसके चलते विशु की ख्वाहिशों को और ज्यादा पर मिल चुके थे और वो रश्मि की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगा था। ऐसी एक रात जब रश्मि सारा काम खत्म करके रसोई में नीचे अपना बिस्तर लगाकर सो रही होती है कि तभी विशु उसके पास आता है और धीरे से उसके गालों को छूता है और प्यार से उसके करीब आकर बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। इतनी सुंदर हसीना को मेरे घर की नौकरानी नहीं होना चाहिए, इसे तो रानी बन के रहना चाहिए मेरे साथ। तभी रश्मि की आंख खुल जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है। इससे पहले वो कुछ बोलती विशु उसके होठों पर उंगली रख देता है और उससे बोलता है, रश्मि प्लीज चिल्लाना मत, नहीं तो स्वाति उठ जाएगी। साहब आप यहाँ इस वक्त और ये सब? रश्मि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी आपको कुछ चाहिए था क्या, कहिए क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, पर उससे पहले कुछ बताना है तुम्हें।
जी कहिए ना, क्या कहना है आपको? यही कि तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ। भले ही तुम नौकरानी थी हमारे घर की, लेकिन कब मेरे दिल की रानी बन गई मुझे तो पता ही नहीं चला। आप ये क्या कह रहे हो, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूँ, बस मेरी हो जाओ, खो जाओ इस रात में। आज मैं तुम्हें दुनिया भर का प्यार दूंगा, तुम इसे कभी भूल भी नहीं पाओगी। नहीं ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। मैं भी, तुम भी और हमारा प्यार भी। अब बस मेरे प्यार को अपना लो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रात के आगोश में खो जाते हैं। इस तरह विशु का प्यार परवान चढ़ जाता है। अब विशु ज्यादातर वक्त रश्मि के साथ ही बिताता था। ऐसे ही स्वाति की डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है और वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब रश्मि स्वाति दोनों मिलकर स्वाति की बेटी गुन्नू का भी ख्याल रखते हैं। ऐसी एक दिन गुन्नू भूख की वजह से रो रही होती है, तभी स्वाति रश्मि को आवाज लगाते हुए कहती है, रश्मि, अरे ओ रश्मि कहाँ है तू, जल्दी से गुन्नू की दूध की बोतल ले आ, कब से कह रही हूँ तुझे। स्वाति के बार बार बुलाने पर भी रश्मि नहीं आती। थक हार कर वो खुद से ही दूध गर्म करके लाती है और गुन्नू को पिला देती है और गुन्नू सो जाती है, जिसके बाद स्वाति रश्मि को पूरे घर में तलाशने लगती है। तभी उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर जाती है, जो कि हल्का सा खुला हुआ था और वहाँ की लाइट भी ऑन थी। जैसे ही स्वाति अंदर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रश्मि और विशु एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार जता रहे थे। ये नजारा देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका विश्वास पल भर में टूट जाता है। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है और रश्मि को एक चाटा लगाती है और उससे गुस्से में बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे घर की साफ सफाई करने वाली कब मेरा पति ही साफ कर गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने तुम्हें अपने घर की नौकरानी बनाया। स्वाति ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की। इस दो टके की नौकरानी के लिए तुमने मुझसे बेवफाई की। अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में, हाँ बोलो, शर्म नहीं आई एक बार भी तुम्हें ये गुल खिलाते हुए। अरे मेरे नहीं तो कम से कम ये नन्ही से जान के बारे में ही सोच लेते। इस दुनिया में आई है उसका ख्याल ही रख लिया होता। और तू, तुझे तो मैंने इस घर का हिस्सा माना था, पर तूने रिश्तों के मतलब ही बदल दिए यहाँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी, मैं यहाँ ये सब करना नहीं चाहती थी, पर शायद मैं हमेशा से अकेली रही थी और जब मुझे किसी का प्यार मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और ये भूल गई कि मैं किसी का घर उजाड़ रही हूँ। माफ कर दो दीदी मुझे, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। इतना कहकर रश्मि वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और अपने साथ हुए धोखे के बाद स्वाति कभी विशु को माफ नहीं कर पाती और तलाक लेकर हमेशा के लिए विशु से अलग हो जाती है। तो वहीं विशु भी सारी उम्र पछतावे की आग में चलता रहता है। दिव्यांका अपनी बेस्ट फ्रेंड अर्चना के साथ बात करते हुए उसके घर जा रही थी कि तभी अचानक अर्चना अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है, जिस पर दिव्यांका उससे गुस्से में बोलती है, अरे यार मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब कभी भी तू मेरे साथ होती है ना तो ये गंदे से हेडफोन मत लगाया कर, यहाँ मैं पागलों की तरह बोलती रहती हूँ और तू अपने हेडफोन में गाने सुनती रहती है। अरे मेरी जान तू गुस्सा मत हो, ले एक बार मेरे हेडफोन का बेस तो ट्राई कर, मैंने न्यू लिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिना हेडफोन के ही बहुत अच्छी हूँ, एक बार प्लीज। अर्चना के बार बार बोलने पर दिव्यांका उसका हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनती है, जिसमें उसके हेडफोन की क्वालिटी और उसका साउंड बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों अर्चना के घर आ जाते हैं, जहां दिव्यांका उससे बोलती है, यार इसकी वॉइस और बेस कितना अच्छा है, कहां से लिया तूने बताना। अर्चना उसके फोन से एक बढ़िया सा हेडफोन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर उसका फेवरेट हेडफोन आ जाता है, जिसे हर समय दिव्यांका अपने कानों पर लगा कर रखती है। चाहे वो जॉगिंग करने के लिए जाए या किसी से मिलने जाए, दिव्यांका की माँ पार्वती उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन पार्वती उससे बोलती है, अरे कभी अपने इस हेडफोन को कान से भी हटा लिया कर। माँ आपको काम से मतलब होना चाहिए ना, अब मैं हेडफोन लगा के काम करूं या हटा के काम करूं वो मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो ये हेडफोन लगाए या ना लगाए, पर एक बात का ध्यान रखियो, जब तुझे सुनाई नहीं देगा ना तब तुझे पता चलेगा सब। दिव्यांका को अपनी माँ की बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में अपना फोन और हेडफोन लेकर रूम में जाकर गेम खेलने लगती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिव्यांका को हेडफोन की इतनी ज्यादा बुरी लत लग जाती है कि वो हर थोड़े ही दिनों में महंगे से महंगा हेडफोन लेने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिव्यांका इवनिंग टाइम में सनसेट देखने के लिए एक झील के पास जाकर बैठ जाती है, जहां वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपनी एक छोटी सी वीडियो बना रही होती है। तभी वहां पर एक प्रकाश नाम का लड़का आता है और उसे ऐसे करता देख वो मन ही मन सोचता है, क्या लड़की है, वो इंसान कितना लकी होगा जिसकी लाइफ में इतनी सुंदर और प्यारी लड़की आएगी, काश ये मेरी लाइफ में होती। इतना बोलकर प्रकाश वहां से चला जाता है और दिव्यांका भी सनसेट और अपने हेडफोन के साथ अपनी मस्ती भरी वीडियो बनाकर वहां से घर चली जाती है, जहां उसको उसकी माँ के जरिए पता चलता है कि प्रकाश नाम के एक लड़के से उसका रिश्ता पक्का हो चुका है और वो कल ही अपनी माँ सरला के साथ दिव्यांका को देखने के लिए उनके घर आ रहा है। अगले दिन प्रकाश अपनी माँ के साथ दिव्यांका के घर आता है। थोड़ी ही देर में दिव्यांका की माँ उसके हाथों में चाय की ट्रे देकर उससे कहती है, ये ले ये पकड़ ट्रे और जा जाकर सबको अपने हाथों से चाय देना, एकदम संस्कारी लड़की की तरह। दिव्यांका चाय तो ले लेती है लेकिन अपने हेडफोन्स नहीं छोड़ती, वो हेडफोन लगाकर ही गाने सुनते हुए गुनगुनाते हुए बाहर आती है और ऐसे ही सबको चाय भी देती है। सरला उसको देखती ही रह जाती है। सरला कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रकाश कहता है, अपनी आँखों को बंद कर, जब तुमको देखा जो तुम हो उससे प्यारा देखा। मतलब आपको मेरे दिव्यांका पसंद है ना? खराबी क्या है दिव्यांका में? प्रकाश की बातें सुनकर दिव्यांका शर्मा जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दिव्यांका एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेती है, पर शादी के बाद भी वो अपना हेडफोन नहीं उतारती। ऐसे ही एक दिन दिव्यांका तेज आवाज में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और सरला उसे आवाजें लगा रही होती है, पर हेडफोन की वजह से उसे अपनी सास की एक आवाज सुनाई नहीं देती और सरला उसके पास आकर उसका हेडफोन अपने हाथों में लेकर उससे कहती है, अरे करम जली, सारा दिन हेडफोन लगाकर कान में यहाँ से वहाँ मंडराती रहती है, अरे तेरे पास टाइम पास करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? माँ जी, काम तो हाथों से करना है ना, कानों से थोड़ी, अभी कर देती हूँ, आप बस मेरा हेडफोन दे दीजिए। अरे जाना, कोई हेडफोन नहीं मिलेगा तुझे, पहले घर का सारा काम खत्म कर, समझी? इतना सब बोलकर सरला उसका हेडफोन लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद दिव्यांका अपना दूसरा हेडफोन निकाल लेती है और उसे लगाकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। दिव्यांका की इस आदत की वजह से अब उसे धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है, पर वो उस बात को मानने से इनकार कर देती है और अपना ये कम सुनने का सच सभी से छुपा कर रखती है। ऐसे ही एक बार सरला उससे कहती है, बहू आज मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। क्या माँ जी, आपका गाना आपके कमरे में दे दूँ? अरे माँ जी, गाना तो आपके फोन में भी चल सकता है, टीवी में भी देख सकती हो। अरे सारा दिन इसे कान में घुसेड़ी रहेगी तो कमी सुनाई देगा ना। अरे गाना नहीं खाना बोला था मैंने। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रही थी ताकि आपका मूड ठीक हो जाए। दोनों सास बहू एक दूसरे से बातें कर ही रही होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर दिव्यांका अभी भी अपनी हरकतों से पास नहीं आती और अब सरला भी उसे कुछ कुछ कहना बंद कर देती है। देखते ही देखते सरला का बर्थडे आ जाता है, जिसके लिए दिव्यांका घर में ही अपनी सास के लिए केक बनाती है और सरला केक कट करती है। तो वहीं उसके बाद वो तीनों गेम्स खेलते हैं, जिसमें प्रकाश कानों में हेडफोन लगाकर तेज वॉल्यूम करके दिव्यांका को एक मूवी का नाम बताता है, जिसे दिव्यांका को गेस करना होता है। दिव्यांका, प्रकाश और सरला तीनों इस गेम को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। आखिर में दिव्यांका की बारी आ जाती है, जिसमें तेज आवाज की वजह से उसके कानों से खून बहने लगता है और उसके कान बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। प्रकाश और सरला मिलकर
तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं हाई वॉल्यूम की वजह से उनके कानों के पर्दे फट चुके हैं, पर अब मार्केट में बहुत सी मशीन आ चुकी हैं, जिसे लगाकर वो सुन सकेंगे और कुछ ही दिनों में आप उनको घर ले जा सकते हैं। इस घटना के बाद दिव्यांका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिस पर सरला उससे कहती है, अरे पहले तो तू बड़े शौक से हेडफोन यूज किया करती थी और अब तो तेरी मजबूरी हो गई है कि सारी जिंदगी ये कान में मशीन लगा के तुझे घूमना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो ही गया और अब रोने से तो कुछ होगा नहीं बहू। और हाँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुझे पहले से ही माफ कर रखा है, क्योंकि सारी गलती तेरी अकेली की तो है नहीं, कुछ गलती तो मेरी भी है। सरला अपनी बहू को माफ कर देती है, पर उसे दुख सिर्फ एक बात का होता है कि इतना कहने के बावजूद भी उसके बहू और बेटे ने उसकी एक बात नहीं सुनी और आखिर में सरला ने भी उन दोनों का ही साथ दिया, जिसकी वजह से दिव्यांका की आज ये हालत हो गई। अगर वो थोड़ी और ज्यादा स्ट्रिक्ट और कड़क रहती तो आज शायद उसकी बहू के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। इतना सब कुछ होने के बाद दिव्यांका को डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, जिससे उसे थोड़ा बहुत कुछ सुनाई देने लगता है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर धीरे धीरे खुशी से रहने लगते हैं। नेहा एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर का सारा काम काज करना बहुत ही अच्छे से आता था, लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी से वो बेहद परेशान थी। ऐसे ही एक दिन वो बस में ट्रेवल करते हुए कॉलेज से वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी अचानक उसे पीरियड्स की लीकेज हो जाती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है, जिस वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, साथ ही वो अपने पीरियड्स की डेट भी भूल जाती है। और तभी एक जतिन नाम के लड़के की नज़र नेहा पर पड़ती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है वो बस से उतर जाती है। उसी वक्त नेहा भी उसे देख लेती है, मगर उसे इग्नोर करके वो आगे चलने लगती है। जतिन उसे उसके पीरियड्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए काफी देर तक उसका पीछा करता रहता है और उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, हे मिस, रुकिए जरा। नेहा को इस हालत में देखकर दो चार लड़के उस पर हंस रहे होते हैं, तो नेहा को लगता है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए सभी उस पर हंस रहे हैं। ये सब देखते हुए जतिन एक बार फिर उसे आवाज लगाता है, लेकिन नेहा गुस्से से पीछे मुड़कर उसे जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से बोलती है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक मेरा पीछा करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की को ऐसे परेशान करते हुए? मिस, मैं आपको सुनो तो। क्या मैं? हाँ, क्या मैं? बिल्कुल चुप रहो, अपनी गंदी जबान खोलना भी मत। तुम लड़कों का ना यही प्रॉब्लम होता है, जहाँ लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने पीछे पीछे आ जाते हो। मैम, एक बार बात तो सुनिए मेरी। क्या सुनूं? छेड़ोगे या तो फोन नंबर मांगोगे, है ना? और आता भी क्या है तुमको? बस बहुत हो गया है आपका, बहुत सुन लिया मैंने। नाउ लिसन केयरफुली, लीकेज की वजह से आपके कपड़े खराब हो गए हैं और बस में से आपको यहाँ तक यही इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि बॉयज आपको देखकर हंस रहे थे, आपका स्टेन ना दिखे इसलिए आपके पीछे पीछे आया आपको कवर करते हुए। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, जानबूझकर नहीं किया आपने, आई नो। ये लीजिए मेरी जैकेट, इसे बांध लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे, व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम जतिन शर्मा है, और आपका? जी, मेरा नाम नेहा भल्ला है, मेरा घर आ गया है, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं ये जैकेट वापस करने के लिए? हाँ बिल्कुल। जतिन उसे अपना नंबर दे देता है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे से कॉल्स और मैसेजेस पर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। एक दिन नेहा उसके जैकेट लौटाने के बहाने उसे रेस्टोरेंट में बुलाती है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लंच करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, साथ ही अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते रहते हैं। वक्त यूं ही बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं, साथ ही अपने घर वालों की रजामंदी लेकर एक शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। जतिन की माँ लता बहुत ही पुरानी विचारधारा वाली औरत थी, जो बरसों पुरानी रीत को अब तक खदेड़ रही होती है। धीरे धीरे
नेहा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे से निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन नेहा रसोई में खाना बना रही थी, तभी लता वहाँ पर आकर उससे कहती है, बहू शाम को एकादशी की पूजा करनी है तो खाना अच्छे से बना लियो। सुन, एक काम कर, खीर पूड़ी हलवा सब कुछ बना लियो। ठीक है माँ जी। नेहा रसोई में जाकर एकादशी के लिए सारा खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद अचानक उसकी कमर में बहुत जोरों से दर्द होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, ये अचानक से दर्द क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई भारी चीज भी नहीं उठाई। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ अचानक उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरा पीरियड्स का टाइम आ गया, ओह नो, इसीलिए इतना कमर में दर्द हो रहा है। इस सब के बाद नेहा अपनी सास को बता देती है कि उनका एकादशी का सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है और तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू चल आ जा, पूजा शुरू कर रही हूँ मैं। ठीक है माँ जी। लता पूजा करती है और आरती करने के बाद वो आरती का थाल अपनी बहू को दे देती है। नेहा जब आरती करती है तो उसके पीछे खड़ी लता उसकी साड़ी पर माहवारी का दाग देख लेती है और गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ नासपीटी, अरे डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने माहवारी में पूजा करी, अरे मेरी पूरी पूजा ही भंग कर दी तूने। नासपीटी, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया था क्या तुझे? माँ जी, मेरे माता पिता के बारे में आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है, और पीरियड्स ही तो है, ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुझसे इन सब का ज्ञान लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे मेरा पूरा घर और मेरा मंदिर सब कुछ अशुद्ध कर दिया। नासपीटी, चल मेरे साथ। ये क्या कर रही है माँ जी आप, छोड़िए मेरा हाथ। लता उसे कमरे में धक्का मारते हुए वहाँ छोड़ देती है और बोलती है, और हाँ, आज से 5 दिन तक तू इसी कमरे में रहेगी, इसी में सड़ेगी, और बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझी? माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब पहले होता था, अब नहीं, आजकल की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब सब कुछ बदल गया है। अरे अपना भाषण अपने पास ही रख, मेरे घर के कुछ उसूल और कायदे हैं जो तुझे मानने पड़ेंगे। जहाँ पर एक तरफ नेहा कमरे में बैठकर रो रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास लता पूरे घर को शुद्ध करने में लगी होती है। शाम को जब जतिन वापस घर लौटता है तो वो नेहा को आवाज लगाता है, मगर नेहा उसकी एक आवाज नहीं सुन पाती। आखिर जतिन उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास ही पहुंच जाता है और उसे ऐसी हालत में देखकर बोलता है, अरे नेहा, तुम यहाँ इस रूम में अकेले कैसे बैठी हो, कब से आवाज दे रहा हूँ, चलो अपने कमरे में। नहीं, आप जाइए, माँ जी ने मुझे मना किया है, मैं बाहर नहीं आ सकती। पर क्यों? पीरियड्स की वजह से माँ जी ने मुझे बाहर आने के लिए मना किया है। लेकिन ये गलत बात है ना, तुम चलो मेरे साथ, तुम यहाँ नहीं रहोगी। जतिन नेहा को वहाँ से बाहर ले आता है और कमरे में ले जाकर आराम से लिटा देता है, साथ ही उसके लिए वो खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता है। इतना ही नहीं, वो उसे हॉट वाटर बैग भी सिकाई करने के लिए दे देता है। इतने में लता जतिन के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है तो उसकी नज़र नेहा पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो तुरंत कमरे में जाकर जतिन से कहती है, ये क्या हो रहा है, तू यहाँ क्या कर रही है, अरे पहले भी इस लड़की ने मेरा घर अशुद्ध किया था और दोबारा से ये वही कर रही है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या हो गया है आपको? जो लोग लड़की के पैदा होने से ही पहले उसे मार देते थे, आप उन लोगों की बनाई हुई परंपरा को अब तक निभा रही हैं? और आप एक बात बताइए, माँ को तो भगवान का दर्जा दिया गया है ना, वैसे भी माता रानी भी तो एक औरत है, तो क्या आप उन्हें भी गलत ठहराएंगी, उनकी पूजा करना छोड़ देंगी? नहीं ना, तो नेहा के साथ ऐसा क्यों? माँ हर औरत में एक सीता बसी होती है जो हर रोज कोई ना कोई अग्नि परीक्षा देती है, और आपको तो ये बात अच्छे से पता होगी ना कि इन 5 दिनों में औरतों को क्या क्या सहना पड़ता है। दर्द से सर फटता है, पैर फूल जाते हैं, शरीर दर्द से टूटने लगता है, आप तो जानती है ना सब, आपने तो खुद महसूस किया है, फिर भी आप इसकी तकलीफ नहीं समझ पा रही हैं। क्यों माँ क्यों? क्या औरत होना इतना ही गलत है, तो माँ बनना भी तो गलत होगा ना, क्योंकि यही वो वजह है जिसे एक औरत आगे जाकर एक बच्चे को जन्म देती है और एक नई पीढ़ी की शुरुआत करती है। अपने बेटे की सारी बातें सुनने के बाद
लता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा से माफी मांग लेती है, जिसके बाद लता कभी भी अपनी बहू को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी और नेहा के पीरियड्स के टाइम पर भी उसकी खूब सेवा किया करती थी। इतना ही नहीं, नेहा भी अपनी सास के साथ मिलकर अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को फिर से अच्छे से निभा लेती है और सभी साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे अपने पीरियड्स के टाइम पर इतना सब कुछ सहना पड़ता हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।